सेकेंड थिंग आई विल कवर कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ये सबसे बड़ा डिबेट है यू नो लाइफ साइंस का, कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी यू नो मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें, बट यू नो आई ट्राई टू पुट इट एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि कितना खाना चाहिए यू अंडरस्टैंड तो मजेदार है, राइट. ओके मैं एक काम करता हूँ, आई विल गिव यू द क्लासिफिकेशन, यू डिसाइड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. देखो कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, थर्ड क्या है इसका बड़ा फनी नाम है इसका नाम, इसको हम लोग कहते हैं फाइबर. तो फाइबर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है इट कैन बी मोनोसैकेराइड, सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, एस ए सी सी एच आर आई डी ई एस, इट इज आइदर मोनोसैकेराइड और इट इज डायसैकेराइड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना. तो व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज और थर्ड इज लैक्टोज. ना जो ग्लूकोज है ना इसको ब्लड शुगर कहते हैं, आई एम नॉट राइटिंग शुगर, यू कैन राइट इट डाउन, इट इज कॉल्ड ब्लड शुगर, वो शुगर जो सिर्फ ब्लड में प्रेजेंट रहता है. फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं क्योंकि फ्रक्टोज सिर्फ फ्रूट्स में मिलता है. लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, वो सिर्फ मिल्क में रहता है, राइट. नाउ अब जो हमारी बॉडी है अगर तुम देखो वो किस शुगर के लिए बनी हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी में ना तो फ्रूट्स है डायरेक्टली ना ही मिल्क है, आर बॉडी ब्लड है, तो आर बॉडी यूज टू ओनली ग्लूकोज ना. अब होता क्या है कि अगर हम डायरेक्टली फ्रक्टोस और लैक्टोस बॉडी को देते हैं तो बॉडी उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाती है ना. सेकेंड चीज क्या है, ग्लूकोज भी अगर हम डायरेक्टली बॉडी को देंगे ना तो इट कैन नॉट प्रोसेस इट, बहुत डिफिकल्ट उसके लिए ना. ग्लूकोज जो हमें ऑप्टेन होता है वो फूड से ऑप्टेन होना चाहिए, खाने से, नॉट डायरेक्ट ग्लूकोज, नॉट गुड ना. शॉर्ट टर्म में मे बी, लॉन्ग टर्म में कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. तो अगर लोग ठीक से खाना खा रहे हैं, राइट फूड ना, इनफ फूड, तो आई विल टॉक अबाउट इट विच फूड, तो जनरली ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए ना. इनफैक्ट यू नो हम लोग ऐसी सोसाइटी में रह रहे जो ये एक्सेस हो गया ना. तो ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड लैक्टोज. तो व्हाट अबाउट फ्रूट ना, फ्रूट क्या हमें खाना चाहिए, वंडरफुल थिंग ना. क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फ्रक्टोज हमारी बॉडी सिर्फ फाइबर के साथ अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाती है, सिर्फ फाइबर के साथ. अगर फाइबर नहीं है तो हमारी बॉडी फ्रक्टोज कैन बी अ डेंजरस थिंग, राइट. आई कवर क्यों ना. तो व्हाट इज मेंट बाय फाइबर, तो जब भी हमें फ्रूट्स खाना चाहिए वी शुड ऑलवेज ईट होल फ्रूट, क्योंकि उसमें फाइबर रिच होता है. जूस इट इज एज डेंजरस एज कोल्ड ड्रिंक ना, क्योंकि आर बॉडी डज नॉट नो हाउ टू मेटाबोलाइज फ्रक्टोज. जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में मेटाबोलाइज होता है, लेकिन जब फ्रक्टोज होता है ना तो देखो तो कुछ भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले लीवर के पास जाता है. लीवर इज लाइक अ टोल गेट, वो डिसाइड करता है इसका क्या करना है, इंटेस्टाइन में भेजना है, ब्लड में भेजना है, सेल में भेजना है, ब्रेन में भेजना है, इट डिसाइड बाय लीवर ना. तो जब मैंने खाना खाया नॉर्मल यू नो तो उसको दिखा कि यार उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट किया है ब्लड में भेज दो, जब फ्रक्टोज का डायरेक्टली पहुंच जाता है ना तो इट डज नॉट नो व्हाट टू डू, उसको क्या करता है ना अपने पास रोक लेता है, बिकॉज इट डज नॉट नो व्हाट टू डू. तो उसको लगता है यू नो अभी उसको क्या लगता है कि अभी इनफ ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की खत्म हो जाएगा तो हम उसको फ्रक्टोज पास ऑन कर देंगे. तो इट्स अ सेकेंडरी चॉइस, इट्स प्रिफरेबल लेकिन इट इज सेकेंड प्रेफरेंस नो. अब हमारे तुम्हारे साथ ऐसी यू नो क्या चांस है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए, खाने की कमी हो जाए. नो हम लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, कम तो सवाल ही नहीं उठता ना. तो अब क्या होगा कि लीवर फ्रक्टोज को अराउंड 3 से 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते तक अपने पास रोक के रखता है ना. अब 4-5 दिन 7 दिन निकल गए ना तो ऑल जो फ्रक्टोज आ रहा है तो एनीवे उसको डिस्कार्ड कर रहा है, उसको पता ही नहीं उसको क्या करे, तो स्टोर ही नहीं कर पाया, जगह ही नहीं बची, राइट. और अच्छा जो लीवर है, ओके आई विल टॉक क्विकली अबाउट लीवर यहाँ पे ना. लीवर अपने पास दो चीज रखता है, ग्लूकोज एंड
फ्रक्टोज। सी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज जाता है, बट तुमने देखा है कि हमको चार, और हमारे ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए, 110 होना चाहिए। तो हमारी बॉडी फाइट करती है 110 का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर खाना खाने के 3 घंटे बाद भी देखोगे तो ग्लूकोज लेवल 110 रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जब शुरुआत में भी 110 है, 3 घंटे बाद भी 110 है। वो इसलिए कि जैसे ही वो 110 पहुंच जाता है ग्लूकोज, जब खाना खाया लीवर ने ग्लूकोज रिलीज करना शुरू किया, जैसे ही 110 पहुंचा ग्लूकोज, लीवर क्या करता है, जो बचा हुआ ग्लूकोज है ना वो अपने पास रोक लेता है ग्लूकोज को। वो कैसे अपने पास स्टोर करता है ग्लूकोज? इट नीड्स पोटेशियम और इसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और अपने पास स्टोर करके रखता है। और जैसे जैसे ग्लूकोज कम होता है वो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता रहता है। इट हेल्प्स बॉडी टू मेंटेन अ लेवल ऑफ 110। अब जब लीवर के पास ग्लूकोज खत्म हो जाता है, यानी ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है और ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, देन वी फील हंगरी ना, वो इंडिकेशन है अब खाना फिर से खाओ क्योंकि ग्लूकोज चाहिए ना। दैट्स हाउ आवर लीवर टॉक्स टू अस ना। तो हमें क्या खाना टाइम से खाना चाहिए? एक्चुअली नॉट, हमें खाना तब खाना चाहिए जब भूख लगे ना। मोर अबाउट दिस लेटर ना, ठीक है। फ्रक्टोज क्या करता है, लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है और आफ्टर सम टाइम इट डज नॉट नो व्हाट टू डू। अब प्रॉब्लम क्या है ना, लीवर को फ्रक्टोज निकालना नहीं आता, रखना आता है निकालना नहीं आता। निकालने का मतलब एक्सक्रीट करना नहीं आता, उसको ब्लड में डालना आता है लेकिन एक्सक्रीट करना नहीं आता। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूसली ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो उसको ब्लड में डालता नहीं है। After few days, it gets converted into uric acid. ना? ये फ्रक्टोज। और ये जो यूरिक एसिड है ना, जो लीवर सेल्स हैं, लीवर के भी सेल्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हिपैटिक सेल्स, ना? हिपैटिक सेल्स। ये यूरिक एसिड हिपैटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ना? अगर माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, विच इज अ पावर हाउस, that cell is like a zombie, जिंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है, it's in a strange situation, right? और जब वो number बढ़ने लगता है तो it is called a fatty liver, क्योंकि there are enough, because liver does not know what to do with that cell, क्योंकि ना तो जिंदा है ना वो मर रहा है, right? अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमन है ना, लोग आपसे कहेंगे पैर में दर्द होता है यूरिक एसिड है, मोस्ट प्रोबेबली लीवर की प्रॉब्लम है, तो उन्हें लीवर ट्रीटमेंट चाहिए ना। डॉक्टर क्यों नहीं करता लीवर ट्रीटमेंट, आई डोंट नो, डॉक्टर से पूछना चाहिए, राइट? बट मोस्ट ऑफ डॉक्टर यूरिक एसिड निकालने की दवा देते हैं विच डज नॉट वर्क इन अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि लीवर तो कंटिन्यूसली डैमेज होता ही जा रहा है ना, एंड ओवर अ पीरियड टाइम इट कैन क्रिएट सम सीवियर प्रॉब्लम, राइट? ग्रेट ना। तो फ्रक्टोज क्यों, नाउ यू अंडरस्टैंड फ्रूट जूस क्यों नहीं पीना चाहिए। यू आर किलिंग योर सेल्फ इफ यू आर ड्रिंकिंग फ्रूट जूस, क्योंकि फ्रक्टोज मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। कोई भी फ्रूट है होल खाओ, इट्स अमेजिंग, दैट इज अ बेस्ट थिंग टू डू, राइट? लैक्टोज, लैक्टोज मिल्क शुगर है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कुछ लोग इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। आई टॉक अबाउट इट, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके बाद देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या होता है, सक्रोज, बेसिकली इट्स अ टेबल शुगर। Now, it has two components. It has glucose and it has fructose. तो जब हम glucose और fructose को मिला देते हैं तो वो क्या बनता है, table sugar. क्योंकि सबको पता है कि sugar cane से बनता है table sugar. Again, it is from plant. Fruit से बनना है तो juice type है तो उसमें of course fructose होगा plus उसमें glucose होता है, दोनों को combine करके sucrose बनाते हैं. अच्छा, so that is what is called sucrose, table sugar. Second, क्या है, lactose. सॉरी मैंने लैक्टोज गलत लिख दिया, इट इज गैलेक्टोज, इट इज नॉट लैक्टोज, इट इज गैलेक्टोज विच इज कॉल्ड मिल्क शुगर ना। डायसेक्राइड में लैक्टोज होता है, सो गैलेक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड, लैक्टोज इज अ डायसेक्राइड। तो व्हाट इज लैक्टोज, वो होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू आर ऑलरेडी ओवर टायर्ड, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या अच्छा है क्या खराब है ना। डोंट गेट डीप इनटू इट ना, क्योंकि आई हैव जस्ट फिनिश्ड इट ऑफ, राइट? एंड देयर इज थर्ड इज समथिंग कॉल्ड मैल्टोज।
अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज कवर करूंगा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, राइट। टेबल शुगर क्यों डेंजरस है? अगेन हमारी बॉडी में जाके इट कैन ब्रेक इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो ब्लड में चला गया, फ्रक्टोज का क्या करेगा लीवर? यूरिक एसिड बनाएगा। तो क्या शुगर जो है किसी भी तरह से अच्छा है? देखो तो मैंने इतने ढेर सारे शुगर लिख दिए, इतने ढेर सारे, क्या इसमें से किसी का भी कोई बेनिफिट है? एब्सोल्यूट जीरो बेनिफिट, अनलेस इट इज कमिंग फ्रॉम फूड। अगर हम डायरेक्टली ग्लूकोज ले रहे हैं, डायरेक्टली फ्रक्टोज ले रहे हैं, गैलेक्टोज ले रहे हैं, सक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज, इट्स यूजलेस ना। द ओनली वे ग्लूकोज कम शुड कम टू आर बॉडी इज थ्रू फूड, नॉट डायरेक्टली। कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो जो शुगर है ना इन एनी फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म, वो मच्छर की तरह है जिसका कोई यूज नहीं है ना धरती पे ना। इट कैन ओनली किल पीपल ना। डू यू नो दैट मॉस्किटो इज द ओनली स्पीसीज जिसका कोई नॉन बेनिफिट नहीं है? इट इज द ओनली स्पीसीज ऑन एंटायर प्लैनेट ना। सो दैट इज व्हाट इज शुगर। तो जब हमारी बॉडी को शुगर का कोई बेनिफिट नहीं है तो वाई वी लाइक शुगर? हमें शुगर क्रेविंग क्यों होती, टेम्पटेशन क्यों होती ना? सुबह सुबह उठ के शुगर खाने का मन, जब भी हो ना अच्छा लगता है शुगर खाने का मन है। देयर इज अ फनी रीजन कि हम लोग 100 साल से ही सिटीज में रह रहे हैं, पिछले कई हजार साल से वी वर लिविंग इन जंगल। जितने हमारे चार जनरेशन पीछे चले जाओ, एवरीबॉडी वाज इन जंगल। और जंगल में क्या होता है, फूड चॉइस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि तुम कुछ भी फूड खा रहे हो तुम्हें नहीं पता वो पॉइजनस है कि नहीं है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो तुरंत हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं, हमें तुरंत पता चलता है वो पॉइजनस है। लेकिन कुछ फूड ऐसे होते हैं जो जिनका इफेक्ट बहुत दिनों बाद पता चलता है ना, लाइक पोटैटो। अगर तुम कच्चा पोटैटो खाओगे इट्स पॉइजनस, बॉइल करके इट रिमूव्स ऑल पॉइजन, राइट। नेचर में कोई भी चीज जो मीठी है वो पॉइजनस नहीं है। एक भी चीज अगर उसमें मीठा है, मीठा बने तो वो पॉइजनस नहीं है। एंड दैट्स हाउ आर एंसेस्टर यूज्ड टू आइडेंटिफाई कौन खाने लायक है कौन नहीं है। सो दैट एफिनिटी रिमेन्स विद अस, उसी को हम लोग शुगर टूथ कहते हैं ना। हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट वॉज ओनली टू आइडेंटिफाई फूड कि वो पॉइजनस है कि नहीं है। अभी हमें उस नॉलेज की जरूरत नहीं है। सो इफ यू गिव अप शुगर, दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग, बिकॉज इट इज एज डेंजरस एज स्मोकिंग ना। ग्रेट ना। अभी क्या हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, ये सारी बात मैंने ये समझाने के लिए की थी कि शुगर मत खाओ, ट्राई टू अवॉइड इट, और जूस अच्छा नहीं है, राइट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, डोंट वरी अबाउट इट, स्टार्च और ग्लाइकोजन। क्या वो अच्छा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? एक्चुअली नहीं, इट्स टू कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए ना। वी शुड ईट सिंपल फूड। तो स्टार्च में क्या क्या आता है, जैसे कि ग्रेन्स है, सीरियल्स है, जैसे तुम में से बहुत से लोग सुबह सुबह उठ के, मैं भी कभी खाता था सीरियल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, और जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है। इज इट गुड फॉर हेल्थ? डेंजरस। एक्चुअली उसका कोई नॉन बेनिफिट नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट, दैट्स इट ना। और पास्ता है, मैदा है, ब्रेड है ना, देयर इज नो नॉन बेनिफिट ऑफ देम, राइट। सो इफ पॉसिबल अवॉइड देम ना। थर्ड है फाइबर। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड यार, क्योंकि इफ आई हैव टू डिसाइड ऑन फूड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं फूड, इफ आई हैव टू सी ओनली वन फैक्टर, मेरे पास लेट्स से सिर्फ एक फैक्टर है चूज करने के लिए कि ये फूड अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैं उसमें सिर्फ एक चीज देखूंगा, फाइबर कंटेंट ना। अगर उसमें फाइबर कंटेंट नहीं है तो फिर वो फूड अच्छा नहीं है। कैसे मैं डिसाइड करूंगा? उस फूड का फाइबर कंटेंट कार्बोहाइड्रेट का कम से कम 20% होना चाहिए। अगर उससे कम है सम वे और अदर, दैट फूड इज इंजूरियस टू माई हेल्थ, कहीं ना कहीं मुझे हार्म कर रहा है ना। सो इफ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन लेबल कॉल्ड फाइबर, बहुत इजी हो जाती है फूड चॉइसेस ना। कोई भी फूड आपने देखा फाइबर कंटेंट जीरो है, ignore it, you know it will do more damage to your body rather than you know thriving on it, right? So fiber ka fayda kya hai, let's classify, kyunki isme ek soluble hota hai aur ek insoluble fiber hota hai.
इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है, जैसे इसाबगुल होता होगा आपने देखा होगा इसाबगुल ना, इट ओनली वर्क्स एज अ लैक्सिटिव। कॉन्स्टिपेशन है इसको लो तो वो क्या करता है, यू नो स्टिक्स इन द एंटायर इंटेस्टाइन और क्लीन कर देता है, दैट्स इट, दैट इज द ओनली पर्पस। जो सॉल्युबल फाइबर है ना, इट डज मिरेकल टू आवर बॉडी ना, जो कि फ्रूट्स में होता है सॉल्युबल फाइबर ना, दैट्स व्हाई वी शुड ईट लॉट ऑफ फाइब्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल। पहला इसका फायदा क्या होता है, इट वर्क्स एज अ प्रीबायोटिक। नाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्रोबायोटिक, बहुत कुछ मार्केट में मिलते हैं बट देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रीबायोटिक, मेरे लिए नया नाम था प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या, जैसे दही है ना, प्रीबायोटिक क्या होते हैं, सी हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए वी नीड लॉट ऑफ बैक्टीरियास, यू नो दैट बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन के लिए। कि हम अगर हमारे बॉडी से, सी अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो द फर्स्ट थिंग यू सी इज कि भूख खत्म हो जाती है, डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, कुछ खाओगे तो वॉमिटिंग सी टेंडेंसी आती है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो जर्म्स बैक्टीरियाज को मारते हैं, खराब बैक्टीरिया जर्म्स को, और अच्छे जर्म्स और बैक्टीरियाज को भी मार देता है, एंड वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड। तो फाइबर क्या करता है, जितने गुड बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज, उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। सो यू नो अगर हम फाइबर नहीं ले रहे, वी विल हैव डाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि गुड बैक्टीरियाज खत्म हो गए ना, राइट। और यू नो जैसे कि यू शुड रीड, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत से लोग माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, यू नो जो लिस्ट्रीन माउथ वॉश होता है, तो हम लोग के साथ बैड अडर आती है ना, वो क्यों आती है कि हमारे माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं और बहुत देर मुंह बंद रखते हैं तो बैड अडर आती है, और हम लोग जब लिस्ट्रीन यूज करते हैं इट किल्स दैट बैक्टीरिया इन आवर माउथ। द फनी थिंग इज वो बैक्टीरिया अगर हमारे मुंह से खत्म हो गए, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक एट अ एल्डर एज ना, सो समबडी इज 60+ दे शुड नॉट यूज इट। हम लोग डेंजरस चीजें यूज करें जस्ट बिकॉज दैट बैक्टीरिया इज नॉट इन आवर माउथ, तो क्यों होता है, गो एंड डू योर ओन रिसर्च, राइट ना, कि हाउ इट कैन लीड टू अ हार्ट अटैक। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट द बैक्टीरियाज आर। अगर अपने बैक्टीरिया खत्म कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन नॉट कैरी, डाइजेशन तो गड़बड़ हो ही गया, सो मेनी थिंग्स, इतने एंजाइम्स हार्मोन्स नहीं बन सकते, राइट। तो व्हाई वी शुड हैव फाइबर इन आवर फूड, नंबर वन रीजन इट वर्क्स एज अ प्रीबायोटिक ना, एंड दैट इटसेल्फ इज इनफ टू हैव फाइबर ना, उसके अलावा कोई जरूरत है नहीं, बट उसके और भी बहुत से यूज हैं। वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज कंट्रोल करता है ना? तो अगर किसी को डायबिटीज है दे शुड समवेयर गेट फाइबर ताकि ग्लूकोज को रेगुलेट कर सके। वो अगर हम बहुत एक्सेस फैट खाते हैं तो फाइबर जो है फैट को पकड़ लेता है, वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो अगर आप दुबले होना चाहते हो यू नीड फाइबर, क्योंकि आप फैटी फूड खाओ साथ में फाइबरस फूड लो तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, वो निकाल देगा ना, बॉवल मूवमेंट क्लीन रखता है ना। यू टेक फाइबरस फूड इन द नाइट, सुबह उठोगे यू विल फील हैप्पी आफ्टर 5 मिनट्स टॉयलेट में जाने के बाद, में तो आधा घंटा बैठे रहोगे ना। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है वो, राइट, तो शूट अप नहीं करने देता ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, तो लीवर से वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को पकड़ लेता है, लीवर की हेल्प करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को पकड़ने, और देन इट रिमूव्स फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इटसेल्फ इज ग्रेट डील ना। सो वी शुड नो कि फाइबर किस किस फूड में, यू डू अ रिसर्च ऑन इट, फाइबर किस किस फूड में होता है, बस लॉट ऑफ टेक फाइबर सप्लीमेंट ऑल्सो। फाइबर का यूज क्या नहीं है, दिस इज ओनली कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी में यूज नहीं होता ना, किसी भी फॉर्म की एनर्जी नहीं देता, एंड इट प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ फुलनेस। अगर कोई वेट लॉस यूज करना, वेट लॉस के लिए देख रहा है, तो ओनली दिस इज अ नंबर वन थिंग दे शुड अंडरस्टैंड कि पेट भरा भरा सा लगता है, राइट। आई लाइट अ सिंपल इक्वेशन टू अंडरस्टैंड दिस फाइबर ना, लेट्स से मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं सर, लेट्स से यू ईट टू मच शुगर, लेट्स से यू ईट टू मच शुगर, व्हाट विल हैपन, इट विल देन योर बॉडी विल रिलीज टू मच इंसुलिन। ज्यादा शुगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बॉडी रिलीज करेगी। जब बॉडी ज्यादा इंसुलिन रिलीज करेगी तो बॉडी में जो शुगर है वो लो हो जाएगा ना, राइट। अमेजिंग इक्वेशन, 110 से सडनली डिप कर जाएगा ना, एंड इट
it leads to fat storage. And what is it equal to? It all adds up to I am feeling too tired and low in energy. तो ज्यादातर लोग हम लोग शुगर लेते हैं, हमको लगता है हमारी एनर्जी बढ़ेगी, बट एक्चुअली ओवरऑल हमारी एनर्जी डिक्रीज कर देता है ना. आई विल सजेस्ट यू वन एक्सपेरिमेंट ना, गो ऑन अ शुगर डाइट फॉर 3 days ना, इफ यू कैन पॉसिबल गो ऑन अ शुगर डाइट फॉर 3 days. किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट शुगर मत लो, किसी भी फॉर्म में ना, एंड सी व्हाट हैपेंस टू यू. You will be surprised the amount of energy level you have. You will be surprised. Na? Is it difficult? No. Most of us are addicted. Because, you know, when we eat sugar, it releases a lot of hormones, happiness hormones. It's like addiction. But if you can do it, na, you will feel enlightened after that, after 3 days. Try doing it. Sabse badi cheez, understand what are hidden sugars. Kahan kahan chupe hue hain sugars. So, jitne bhi packaged food hote hain, biscuit hoti hai, namkeen hoti hai, sabme hidden sugars hain. Wonderful, great. Now, I'll rub it. And let's see if I can cover most important thing in next 15 minutes, which is called fat, which is the bad boy of diet. Criminal, right? Fat ki baat aati hai, right? So, fat kya hai? Again, you know, it is one of the most efficient form of energy. बताया ना कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन. तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं पसंद प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी जो है फैट यूज करती है एनर्जी यूज रिलीज करने के लिए. सेकंड चीज क्या है कि द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज फैट इज द ओनली थिंग विच आर बॉडी कैन स्टोर ना, विच कैन बी यूज लेटर टू रिलीज एनर्जी. हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट नहीं स्टोर कर सकती, प्रोटीन नहीं स्टोर कर सकती, सिर्फ फैट स्टोर कर सकती है. तो लेट्स से देयर इज एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करेगी और फिर स्टोर कर लेगी. लेट्स से देयर इज एक्सेस प्रोटीन, तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करेगी और स्टोर कर लेगी. फैट में क्या है ना, वो डायरेक्टली स्टोर कर लेगी. दैट्स व्हाई इट इज लिटिल डेंजरस, वो कन्वर्ट नहीं कर रही है. तो बॉडी के लिए फैट को एज अ फैट स्टोर करना बहुत ईजी है. तो अगर हम एक्सेस फैट खाते हैं तो बट हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली बड़े होने लगते हैं ना, वो अवॉइड करना है ना, राइट. ग्रेट. सो ये तो बुराई हो गई, अच्छा ही क्या है. सी अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं होगा तो देर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स जो फंक्शन नहीं करते इफ वी डोंट हैव राइट अमाउंट ऑफ फैट ना. जैसे एस्ट्रोजन है, लेप्टिन है, इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन्स है. कॉर्टिसोल का मतलब यू नो, जो लोग दुबले पतले होते हैं, तो आई डोंट नो इफ यू नो दिस थिंग और नॉट, जो लोग दुबले होते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं रादर देन फैट पीपल. हैव यू सीन फैट पीपल आर मोर हैप्पी समहाउ, दे आर केयरलेस, दे डोंट केयर ऑल्सो. मोटे हैं तो क्या हुआ यार ना, जो दुबला वो ज्यादा कंसर्न है मोटे लोग को लेकर यार, वो वरीड क्यों नहीं है. बिकॉज एडवांटेज क्या है फैट का, कि वो कॉर्टिसोल लेवल समहाउ कम कर देता है, तो दे आर केयर फ्री ना. सो फैट कम भी नहीं होना चाहिए ना, वी शुड हैव अ राइट अमाउंट ऑफ फैट. तो व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ फैट, वी विल टॉक अबाउट इट ना. ऑफकोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी है. सेकंड थिंग क्या है, फैट जो हमारी बॉडी को शेप देता है, जो हमारा बॉडी का शेप है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मसल, इट इज बिकॉज ऑफ फैट. मसल इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द फैट, नॉट टू गिव द शेप. तो अगर मैं फैट हटा दूंगा सिर्फ मसल रहेगी तो लुक्स बड़ी अजीब से लोग लगते हैं यार ना, कोई शेप ही नहीं होता बॉडी, राइट. ऑफकोर्स शेप पैक रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा, दैट्स इट, राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड चीज क्या है, बॉडी को कुशनिंग देता है. लेट्स से यू फॉल डाउन, तो फैट इज व्हाट प्रोटेक्ट्स यू ना, कुशनिंग है. हीट इंसुलेशन का काम करता है. तो जो लोग बहुत फैटी होते हैं ना, देखो उनको ठंड कम लगती है ना, या उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि हीट इंसुलेशन का काम. इसका साइड इफेक्ट भी है कि जो लोग मोटे होते हैं इसीलिए बहुत देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो फैट की लेयर है इट वर्क्स एज अ हीट इंसुलेशन. तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी हीट नहीं निकाल पा रही है, तो उनके इंटरनल टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है और वो थोड़ा सा दौड़ के थक जाते हैं, रुक जाते हैं. नॉट बिकॉज दे गेट टायर्ड, बिकॉज टेम्परेचर राइजेस इनसाइड देयर बॉडी. सो वंस समबडी बिकम्स फैट इज सो डिफिकल्ट टू डू एक्सरसाइज, यू अंडरस्टैंड ना. कि मैंने लोगों को पुश करना बंद कर दिया, वंस आई अंडरस्टूड दिस थिंग, वी आर इन दिस इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, समबडी इज फैट, आई डोंट पुश देम.
क्योंकि यू नो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है. इट वर्क्स एज अ इंसुलेशन राइट. और यू नो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है एक्सीडेंट से. जैसे अगर तुम बहुत ऊपर से जंप किए सारे ऑर्गन्स इधर उधर बिखर जाने चाहिए ना. इट डज नॉट हैपन. फैट्स होल्ड्स इट नॉट प्रोटीन या नॉट मसल. और कभी किसी ने मारा मुझे तो बिकॉज ऑफ दैट फैट इंजरी डज नॉट हैपन टू द ऑर्गन्स ना. ओके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करने में हेल्प करता है फैट. उसके बिना हो नहीं सकते. जितने अगर फैट की कमी है तो जो एसेंशियल वाइटामिन्स हैं ए डी ई के वो कहाँ स्टोर होंगे. वो हो नहीं सकते ना. वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. अपने आप विटामिन डी ई ए के की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर फैट कम है ना. और ब्लड शुगर को बैलेंस करता है. कैन यू बिलीव इट. एक्चुअली ब्लड शुगर को बैलेंस करता है. दिस आर द गुड थिंग अबाउट फैट ना. तो वॉट इज मेंट बाय फैट. तो अभी हम लोग कैसे समझेंगे कि फैट क्या अच्छा है क्या बुरा है. देखो आई शो कैटेगराइजेशन ऑफ फैट टू यू. ऑलमोस्ट टाइम वी हैव. लेट्स सी इफ आई कैन कवर इन 10 मिनट्स ना. ग्रेट. अब जो फैट होते हैं दो तरह के होते हैं. एक होता है डाइटरी फैट और एक होता है बॉडी फैट. This is the first thing that we have to understand. ये दो अलग अलग फैट है ना. डाइटरी फैट एंड बॉडी फैट. और जरूरी नहीं है ये सेम है ना. राइट. जो डाइटरी फैट होता है जो बाहर से फैट आते हैं वो हमारे लिए डेंजरस तभी है जब वो सी बॉडी फैट इज नॉट डेंजरस. जो डाइटरी फैट है जब वो ठीक से स्टोर नहीं हो पाता बॉडी में देन इट इज डेंजरस नॉट बॉडी फैट ना. क्योंकि देखो एक चीज देखो बॉडी फैट में. हैव यू सीन एस्किमोस. वो 200-250 किलो के होते हैं ना. तुमने देखा है जो नॉर्वे में जो ओल्ड कंट्रीज में जो लोग होते हैं यार मैन दिस बिग एंड दिस हैवी. उनको कोई हार्ट अटैक नहीं होता बिकॉज इट्स ऑल फैट इनसाइड द बॉडी. वो बाहर से नहीं आया. दे क्रिएट दैट फैट. अच्छा आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग. देयर आर फैट सेल्स ना. तीन तरह के होते हैं. एक होते हैं व्हाइट, एक होते हैं ब्राउन, एक होते हैं बीज. BEIGE बीज इज अ कलर. द फैट सेल्स तीन तरह के होते हैं. जो व्हाइट बीज ना वी कॉल इट बीज. इट्स अ कलर. व्हाइट सेल्स क्या होता है. जो हमारे तुम्हारे में फैट है ना दैट इज कॉल्ड व्हाइट फैट. जो हमको दिखता है कहीं भी व्हाइट. जो ब्राउन फैट है ना बेबीज में होता है. तुम्हें देखा बेबी फैट भी होता है ना. बच्चे आते हैं बड़े क्यूट से लगते हैं ना. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बेबी फैट ना. थर्ड क्या है बेज फैट. जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्राउन फैट ना. जो बेज फैट है ना ये व्हाइट फैट को बर्न करने में हेल्प करता है. ये हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है ना. ये जो व्हाइट फैट है ना बेसिकली एक्सटर्नल फैट की वजह से आता है. बेज फैट बॉडी प्रोड्यूस करती है और इसको बर्न करता है. सी वी साइंस हैव नॉट अंडरस्टूड ये बेज फैट कैसे क्रिएट होता है ना. बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ना. और ये क्या करेगा. इसका कॉम्बिनेशन है लेकिन एक्सेस व्हाइट फैट है उसको हटा देगा. तो जो एस्किमोज होते हैं ना उसमें जो है ये वाला फैट होता है एक्चुअली ना. और ये फैट क्या करता है जब उनको बहुत ठंड पड़ती है ना तो इट बर्न्स व्हाइट फैट ऑटोमेटिकली इनसाइड देम उनको हीट देने के लिए. दैट्स हाउ दे सर्वाइव इन क्लाइमेट सच अ कोल्ड राइट. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. फैट इटसेल्फ इज नॉट बैड. अगर साइंस में अगर हमने कभी सीख लिया कि हाउ टू क्रिएट दिस. ये कैसे क्रिएट होता है. एक्सरसाइज से क्रिएट होता है. वी डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज. या जब बहुत ही कोल्ड वेदर होता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है. दो ही नोन तरीके हैं एज ऑफ नाउ ना. सो आई विल रब इट. नाउ यू अंडरस्टैंड डाइट फैट और बॉडी फैट में क्या डिफरेंस है. बॉडी फैट इज नॉट डेंजरस. डाइट फैट इज डेंजरस राइट. सो अब जो डाइट फैट होते हैं इसकी भी कैटेगराइजेशन है. एक होते हैं अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड फैट ना. अनसैचुरेटेड फैट में क्या होता है. आई नॉट राइट डाउन एवरीथिंग. आई क्विकली टेल जस्ट लाइक दैट. एक मोनो अच्छा ये लिखना जरूरी है. ये है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैट में क्या है. एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. एक मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड.
जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, इट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। जो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, ये लिक्विड या तो सॉफ्ट होते हैं, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, ये हार्ड होते हैं ना। तो जैसे सरसों का तेल है, या राइस बान ऑयल है ना, या तो यू नो व्हाट व्हाट आर दीज आर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यू नो अगर मुझे चूज करना है विच फैटी एसिड इज गुड ना, अगर मुझे तेल यूज करना है, अगर जितना ज्यादा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा उतना अच्छा है, तो माय नंबर वन चॉइस इज मोनो, सेकंड इज पॉली, इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन प्रोबेबली आई विल गो टू सैचुरेटेड फैट ना। तो क्या क्या ऑप्शन है मोनोसैचुरेटेड में होता है? सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं, हैव यू हर्ड, बहुत अच्छे होते हैं। जितने नट्स होते हैं उसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जैसे कि नट्स जितने भी काजू है और अखरोट है, एनी 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 नट्स ना जो हम लोग लेते हैं, सो दे आर अमेजिंग फॉर हेल्थ। उन सब में ओमेगा थ्री होता है, दे आर रिच, इट इज रिच इन ओमेगा थ्री मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड ना। कैनोल ऑयल है, कैनोला कहते हैं, ऑलिव ऑयल है ना, दे आर वेरी गुड। पॉलीसैचुरेटेड क्या है, जैसे कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, देन समथिंग को सैफफ्लावर ऑयल, जो सफोला होता है सैफफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल ना, फैट इन सी फूड्स, वो क्या होते हैं, पहली पॉली होते हैं, तो सेकेंडरी चॉइस, दे आर गुड एक्चुअली ना, हमारी बॉडी को चाहिए होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो फर्म होते हैं, जैसे मीट होती है, पोल्ट्री में होता है, बटर है ना, और कोकोनट है, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, तो ये जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है, दिस इज माई थर्ड चॉइस ना। बट एक चीज ऐसी है विच इज अ नंबर वन किलर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, विच इज कॉल्ड हाइड्रोजेनेटेड हाइड्रोजेनेटेड फैट ना। तो जो हाइड्रोजेनेटेड फैट होता है ना, ये क्या होता है, ये अनसेचुरेटेड फैट है, उसमें हाइड्रोजन एटम मिलाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, जिसको कहते हैं डालडा, मोस्ट कॉमन नेम जो है ना उसे कहते हैं डालडा, हाइड्रोजेनेटेड फैट। व्हाई इट इज डेंजरस, क्योंकि इसको अनसेचुरेटेड फैट में इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो रूम टेम्परेचर में स्टेबल हो जाए, खराब ना हो, और क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है तो इट गिव शेप टू थिंग शेप्स ना, उसको शेप देता है। जितनी भी हम लोग पेस्ट्री खाते हैं, समोसा खाते हैं, या बर्गर खाते हैं, पैटीज खाते हैं, जितनी भी मार्केट में नमकीन बनती है, वो सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेटेड फैट की बनती है ना। क्यों, क्या देता है ये? फर्स्ट थिंग, ये टेक्सचर देता है ना, सेकेंड ये शेप देता है। तो अगर मैं अगर पेस्ट्री बनाने की कोशिश करूंगा अनसैचुरेटेड फैट की, इट विल मेल्ट, शेप ही नहीं आएगा। तो अगर हम बाहर से कुछ भी खा रहे हैं ना, कहते हैं क्यों खराब है, हाइड्रोजनेटेड फैट, डू योर ओन रिसर्च अबाउट इट ना, क्योंकि ये जाके जम जाता है हमारी आर्टरीज में ना, उसको उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। सो इफ आई हैव टू अवॉइड वन थिंग, दिस इज द थिंग, हाइड्रोजनेटेड फैट, राइट, मेक सेंस, ग्रेट। और क्या क्या डाइट्री फैट में और क्या क्या होता है सच्चा? एक और होता है कोलेस्ट्रॉल, राइट। दिस, अब कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक है बॉडी फैट, तो एक होता है कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी बनाती है, और एक कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो फूड से आता है। दोनों एकदम डिफरेंट है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीटली। जो बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, देखो तो होता क्या है कि जो हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, 80% इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लिवर, 20% कम्स फ्रॉम आउटसाइड फूड ना, तो उससे ज्यादा बॉडी हमारा एब्जॉर्ब नहीं करती है ना। तो हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, जब तुम आउटसाइड कोलेस्ट्रॉल फूड लेना शुरू कर देते हो, तो हमारी बॉडी का ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लोअर होने लगता है, क्योंकि लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर देता है ना। मे आई ट्राई टू कवर दिस थिंग, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल ना। इसीलिए सुनो, देयर वाज अ बिग मिस्ट्री कि अंडे का योक जो होता है वो खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इट्स इट्स कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल। बट यू नो
इट डज नॉट मैटर, उसको खाओ ना खाओ वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा. वंस वी ईट दैट कोलेस्ट्रॉल, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो बॉडी निकालेगी, कोलेस्ट्रॉल बाहर कर देगी. तो अगर हम बाहर से कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, ऑफकोर्स इन लिमिटेड अमाउंट ना, इट डज नॉट हार्म अस बेसिकली, एंड इन सम वे इट इज बेनिफिशियल ऑल्सो. तो डोंट अवॉइड कोलेस्ट्रॉल फूड, जैसे अवोकैडोज होते हैं, देयर लॉट ऑफ फूड्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, मिल्क होता है ना, काउ मिल्क कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल की फैट की वजह से मिल्क को मत अवॉइड करो ना, इट विल नॉट हार्म, राइट? ओके, ग्रेट ना. सो जो बॉडी फैट होते हैं, इट्स ऑलरेडी 10:30, क्या करें, आई टेक 5 मिनट्स 7 मिनट्स और ओके, आई डोंट सी अ रीजन 5 मिनट एक्सटेंड ना करने का, क्योंकि आई नॉट टच दिस थिंग्स अगेन, राइट? राइट, तो मेन चीज ये है, आपको ये दो डिस्टिंक्शन समझ गए कोलेस्ट्रॉल के ना, बॉडी कोलेस्ट्रॉल है, डोंट अवॉइड इट, राइट? बॉडी कोलेस्ट्रॉल, जब बॉडी फैट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स कुछ एसेंशियल फैट होते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं, मैंने उसकी यूज बताया क्योंकि फैट क्यों इंपॉर्टेंट है. तो जब मैं वो फैट के यूज बता रहा था ना, तो मैं इन सब फैट के नहीं बता रहा था, मैं बॉडी फैट के यूज बता रहा था, जो भी मैंने यूजेस बताए बॉडी फैट के ना. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. तो बॉडी जो हमारा फैट खुद बनाती है, दैट इज वॉट इज यूजफुल. तो जब हम बॉडी फैट बनाते हैं तो 3-4 तरह के होते हैं. एक हो गया कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड हो गया एसेंशियल ना, जो ब्रेन वगैरह में चाहिए होता है. थर्ड हो गया, उसको हम लोग कहते हैं सबक्यूटेनियस. सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, जो स्किन के अराउंड होता है ना, स्किन, राइट? फोर्थ इज विसरल. विसरल फैट जो होता है, जो ऑर्गन्स के अराउंड होता है ना. 4 तरह के फैट होते हैं, राइट? तो यू नो, वंस यू गेन वेट, जब हम गेन वेट गेन करते हैं, व्हाई इट इज डेंजरस, द फैट गोज इन 4 डिफरेंट प्लेसेस ना, 4. अगर नॉर्मल है इट्स वेल एंड फाइन, बट लेट्स से आई हैव एक्सेस विसरल फैट, यानी अराउंड ऑर्गन्स, इट इज अराउंड ऑर्गन्स, तो क्या करेगा, ये ऑर्गन्स को फैटी कर देगा ना, उसके चारों तरफ ढेर सारे फैट इकट्ठा हो जाएंगे. अब ऑर्गन्स कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली. फिर सोचो ना, एक रूम में जिसमें 2 लोग या 3 लोगों की सोने की जगह, उसमें 20 लोग को सुला दिया जाए तो क्या होगा, क्रैम्प्ड, राइट? यू फील सफोकेटेड. तो जो वंस यू गेन वेट, ऑर्गन्स आर गेटिंग सफोकेटेड. अभी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यू नो, इफ यू आर ओवरवेट, उलझन हो रही है, जरा से भी वेदर चेंज हुआ उलझन हो रही है, क्योंकि तुम्हें नहीं हो रही है, ऑर्गन्स आर गेटिंग सफोकेटेड, इट इज गेटिंग गिविंग सिग्नल टू योर ब्रेन, एंड दैट्स हाउ यू आर फीलिंग उलझन हो रही, राइट? सो और ओवर अ पीरियड टाइम दे स्टॉप फंक्शनिंग बेसिकली ना. सबक्यूटेनियस, ऑफकोर्स स्किन मोटी हो गई, हीट इंसुलेशन जरूरत से ज्यादा हो रहा है ना, एसेंशियल फैट तो है, उससे ज्यादा आप क्या करोगे यार, वो तो फायदा है ही, मैंने बताया ना उनको, स्ट्रेस नहीं होते, खुश रहते हैं, वो सब तो है ही, लेकिन साइड इफेक्ट्स है. कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड, गो एंड ट्राई रीडिंग अबाउट इट. तो जब मैं कोलेस्ट्रॉल, अच्छा दिस इज रॉन्ग वर्ड, दिस इज एक्चुअली लिपोप्रोटीन. अगर लिपोप्रोटीन यूज करोगे ना, तो इट मेक्स मोर सेंस ना, क्योंकि लिपोप्रोटीन इज अ प्रोटीन दैट कैरीज कोलेस्ट्रॉल. तो हमारे बॉडी में जो होता है, डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के अराउंड प्रोटीन की लेयर होती है ना, दैट्स दैट व्हाट आवर बॉडी कैरीज, दैट्स व्हाई इट्स नॉट डेंजरस. एलडीएल इज डेंजरस, एचडीएल इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, अल्टीमेटली हमें एलडीएल कम करना है, एचडीएल बढ़ाना है ना. सो आई कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स. सो मैंने ये ट्रेनिंग क्यों की, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गोइंग थ्रू इफ आई मिस समथिंग. Okay, wonderful. मुझे लग रहा है कि you know, I have covered everything. See, why I did this training to you? क्या ये categorization बहुत complicated है? Actually not. ना? लेकिन of course इसको absorb करने में समय लगेगा. Why I did this thing? कि until we understand this classification, carbohydrate, fat and protein, it's very difficult to understand any diet in the world. ना? क्योंकि सब diet जो है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इसके रेशियो पे डिपेंड करती है ना. क्या कोई डाइट बहुत अच्छी होती है, इस पैलियो डाइट वेरी गुड, और मेडिटेरियन डाइट, और कीटो डाइट, और योगिक डाइट अच्छा है, उग्र कुछ नहीं होता. अगर हम परसेंटेज समझ जाए ना, जैसे पैलियो डाइट क्या होती है, पैलियो डाइट होती है कि जिस तरह से
एंशियंट एज में लोग खाते एज इट इज खाओ ना, अगर वो बहुत ज्यादा कुक नहीं करते थे मीट को, सेमी कुक करते थे वैसे, दैट इज ऑल। कीटो डाइट क्या होती है? हाई फैट लो कार्ब। सो यू शुड अंडरस्टैंड अगर किसको वो डाइट देनी है ना। इज पैलियो डाइट गुड फॉर एवरीबडी? नो। स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल। कीटो डाइट गुड फॉर एवरीबडी? नो। स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल ना। मेडिटेरियन डाइट गुड फॉर एवरीबडी? नो। स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल। तो जब हम यू नो वी आर इनटू हेल्थ इंडस्ट्री, जब हम कंसल्टेशन की बात करते हैं, अगर ये क्लासिफिकेशन समझ जाए हम, दिस वन क्लासिफिकेशन, वी कैन रिकमेंड राइट डाइट टू पीपल। क्योंकि सिर्फ सप्लीमेंट से काम नहीं चलेगा, डाइट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या डाइट सूट करेगी, अदरवाइज क्या हो ना, वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ना। नाउ व्हाट दिस थिंग विल डू यू इज, आई विल एज्यूम दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द लर्निंग नॉट द एंड। जो चीज नहीं समझ में आई है, यू कैन गेट बैक टू मी, कभी मैं सेशन करूंगा जहां क्वेश्चन हम लोग और ज्यादा पूछ सकते हैं, ये पॉसिबल आज भी कर सकते हैं ना। अदरवाइज यू विल गो एंड डू योर ओन रिसर्च, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, डेंजरस क्या है ना, व्हाट इज मीन बाय कोलेस्ट्रॉल लेवल ना, जैसे कि यू नो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, आई जस्ट क्विकली टेल यू बिकॉज आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, कि हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर बनाता है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या उसको कहते हैं हम लोग प्री डायबिटिक कंडीशन। जब बंदा प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है ना, अगर वो उसका शुगर टेस्ट कराएगा तो उसका हमेशा शुगर लेवल नॉर्मल आता है। और इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मैंने बताया उसको कवर करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना फाइट करती है 110 का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए। लेट्स से हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा शुगर चला गया, तो सबसे पहले वो सेल में अब्सॉर्ब होता है, लेकिन सेल में ऑलरेडी स्टफ हो गया। लेट्स से आई एक्सप्लेन दिस थिंग बहुत क्विकली, ताकि आप लोग जाके कोलेस्ट्रॉल के बारे में और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में जाके पढ़ो। हमारी बॉडी में 110 लेवल का शुगर है, 110 बढ़ने लगा, तो वो क्या करेगा, सेल इंसुलिन आएगा और सेल से कहेगा शुगर को भरो ना। अब शुगर सेल जो है शुगर को एब्जॉर्ब करने लगेगा, ताकि 110 का लेवल 130 से 140 से 110 आ जाए। एक समय बाद जितने सेल है ना सब में शुगर भर जाएगा, सब में। लेकिन अभी भी आप हम लोग खा रहे हैं, शुगर लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन फिर से आके कहा भरो, तो कहेगा कि यार नहीं है जगह, कहाँ भरे ना, क्योंकि यू नो ऑलरेडी देयर इनफ पीपल इन द रूम। अब वो कहेगा नहीं नहीं तुम्हें कुछ करना है, तो वो क्या करेगा, शुगर के साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा लीवर। वो कैसे करेगा, शुगर को फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देगा, फैट ना, क्योंकि साइज छोटा हो गया ना, कंडेंस कर दिया। सो व्हाट इज फैट, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ शुगर, राइट ना। मैंने बताया ना कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होता है, रिमेंबर, ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होता है, तो शुगर करता है। अब ये सेल में ना फैट भर गया, एकदम फैट, एकदम फैट स्टफ, चारों तरफ से मोटा हो गया, राइट। अब ये क्या करेगा, जब करेगा नहीं, फिर कहेगा यार करो यार बॉस। अब ये क्या करेगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं फूल सकता ना, डिवाइड कर देगा। तब क्या होगा, वेट बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो गया। अब ये दो क्या करेगा, फिर चार, चेन रिएक्शन ना, तो ये भी चेन बिजनेस करता है, राइट ना, ये आठ कर देगा। फनी थिंग क्या है पता है, कि हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन्स, बोन सेल्स, उसकी लाइफ 7 years होती है बोन सेल्स की। हमारे जो ब्लड होते हैं ना, उसकी लाइफ 3 months होती है ना। हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं ना, उसकी लाइफ अराउंड 5 to 6 months होती है। आपको पता है फैट सेल्स की लाइफ कितनी होती है, एनी आइडिया? 20 years। फैट सेल्स की लाइफ हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होती है। अब उसको मरने में 20 साल, बोन्स 3 बार नहीं हो जाएगी इतनी देर में, फैट सेल्स 20 साल तक रहेंगी। लेट्स से यू वर्क वेरी हार्ड एंड यू स्टार्ट लूजिंग फैट ना, तुमने वेट लूज करने की कोशिश की, तो अभी जो फैट सेल्स है ना श्रिंक हो जाएंगे, गायब नहीं होंगे ना। द मोमेंट यू गिव अप, ये वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं ना बहुत एक्सरसाइज की, वेट लूज कर दिया, 3 महीने बाद बैक टू द फॉर्म ना, क्यों? क्योंकि फैट सेल्स नहीं मर रहे, राइट। तो अच्छी चीज क्या है ना, वेट गेन मत करो,
क्योंकि एक्चुअल तरीके से उसको लूज करने में 20 साल लगेगा. यू नीड लॉट ऑफ डिसिप्लिन. डोंट गेट डिसहार्टेंड. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कंट्रोल इट. क्रेविंग खत्म कर दो. देयर आर लॉट ऑफ वेज. सो वी विल टॉक अबाउट, वी विल कवर कि वेट मैनेजमेंट कैसे करें. बट नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट वंस यू गेन वेट टू लूज, क्योंकि फैट सेल्स नहीं मर रहे हैं ना. ओके अभी हम लोग यहाँ नहीं जाते. अब क्या हो गया, यहाँ पे स्टफ हो गया, ये डिवाइड भी शुरू हो गया. अभी भी ग्लूकोज आया जा रहा है. अब वो कहेगा बॉस अब नहीं हो सकता कुछ, अब इससे ज्यादा हम चौड़े नहीं हो सकते. अब वो क्या करेगा, अब इंसुलिन क्या कहेगा, जो ग्लूकोज ब्लड में वो इसको कंडेंस करना शुरू करेगा एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल ना. इसको कंडेंस कर रहा है. सो व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड इज कंडेंस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ये ब्लड को थिक कर रहा है. ब्लड थिक होगा, हार्ट को पंप करने की ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ट वीक हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट कोलैप्स करना. अगर किसी को हार्ट अटैक है उसको बचाया जा सकता है. अगर किसी का हार्ट वीक होके कोलैप्स कर रहा है, नोबडी कैन सेव इट ना. देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट कोलैप्स एंड हार्ट फेलियर. देयर आर थ्री डिफरेंट थिंग्स ना, हार्ट अटैक, हार्ट कोलैप्स ना. सो इसका हार्ट कोलैप्स करता है ना, उसको बचाया नहीं जा सकता. राइट, दैट्स हाउ डेंजरस इट इज कोलेस्ट्रॉल ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड कैसे कन्वर्ट होता है ना, कैसे इससे रीड होना है, कैसे इससे करना है. दैट इज अ पार्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि यू नो आई विल ट्राई टू पिक अप. मे बी आई विल टेक द हेल्प ऑफ श्वेता एंड शिल्पी टू डू इट, जो वेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं. बट वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन रिलेट ऑल. सो यू अंडरस्टैंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, नॉट द एंड ना. बहुत कुछ बात करना बाकी है. ग्रेट. सो आई हैव समथिंग, सम क्वेश्चंस, समथिंग व्हिच प्रोबेबली आई लाइक टू आंसर ना. मैं तुमसे नहीं पूछूंगा. या Somebody was saying something? हाँ मैंने बोला है जेगरी जो होता है, जैसे अगर हम शुगर नहीं लेते हैं तो हम जेगरी ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुझे तो लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द फ्रूट जो भी अगर मीठा खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रहता है, वो नेचुरल से कुछ भी हो. जेगरी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्ट शुगर. एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट शुगर इज बैड फॉर हेल्थ. इट इज ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है. टेस्ट के लिए ले सकते हैं. देखो वी लिव इन अ सोसाइटी कि हम कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते ना. सो विच इज ओके. अपने आप को टॉर्चर करने की भी जरूरत नहीं है ना कि हम स्ट्रेस्ड हो जाए ना. इस तरह से अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहिए. और ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप शुगर. सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज लिमिट करो. सबसे डेंजरस चीज जो है, इफ पॉसिबल अवॉइड टू थिंग्स, एक टेबल शुगर और दूसरा जूस. यानी जिसमें फ्रक्टोज है उसको अवॉइड करो ना. So you do your own research कि कौन कौन से फूड में फ्रक्टोज होता है. राइट, इस और पैकेज्ड फूड उसमें फैट तो शुगर तो ही है, वो हाइड्रोजनेटेड फैट है. दैट इज इवन मोर डेंजरस ना, बिस्किट नमकीन वगैरह. और आपने वो कैशनट का बताया था ना कि उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है. तो कैशनट तो मतलब बोलते विच इज गुड, बट जनरली बोलते हैं मतलब बोला जाता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है इससे. क्या क्या खाने से क्या बढ़ जाता है? ये क्या बोलते हैं जो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड नहीं ना. देखो बहुत से मिथ है, वो कहाँ से पैदा हुए किसी को नहीं पता ना. तो कैशनट अच्छा होता है. कैशनट इज गुड. देखो एक लिमिट में एवरीथिंग इज गुड. तो जब मैं नट लेने की बात करता हूँ, सो आई एज्यूम कि एक मुट्ठी में जितना पकड़ में आ जाए उतना अच्छा है ना. उसके बियॉन्ड एनीथिंग इज इन अ डे ना. सो अगर मुझे यू नो कैश्यू खाना है तो एक मुट्ठी, लेकिन जब मुट्ठी लूंगा तो ऐसे नहीं उठाऊंगा ऐसे. फॉर डिफरेंस यू पिक इट, इतना काफी है. इट विल नेवर हार्म यू. यू कैन हैव इट एवरी डे. राइट, एनी फॉर्म ऑफ व्हेदर इट्स ग्रेट. ओके ना. तो शक्ति कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं ना इसमें चैट में. हाँ ये तो कवर भी किया. जस्ट अ सेकंड, मैं पार्टिसिपेंट ऑफ करता तो यस. कैन यू प्लीज रिपीट अबाउट प्रोटीन? अरे विशेष, ये बड़ा मुश्किल काम है. तुम्हें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है प्रोटीन में तुम पूछो, अदरवाइज यू नो. सर आई हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड इट. अच्छा, इट वाज अबाउट एंजाइम एंड. हां अच्छा. कैन वी हैव फ्रूट जूस इन द मॉर्निंग और अ हैंड? सी प्रॉब्लम क्या है ना, फ्रक्टोज में है. तुम्हें लग रहा है कि तुम हंग्री हो, राइट? बट होगा क्या कि जिस समय तुमने जूस पिया उस समय हंगरी थे, बट वॉट अबाउट आफ्टर 2 आवर्स? क्योंकि लीवर क्या करेगा ना, जब तुम जूस लोगे तो फ्रक्टोज को अपने आप अपने पास स्टोर कर लेगा.
वो ब्लड में नहीं भेजेगा, वो इमरजेंसी के लिए रखता है। इमरजेंसी का मतलब इफ यू आर फास्टिंग फॉर एटलीस्ट 20 आवर्स, 20 घंटे तक अगर ग्लूकोज एब्सेंट है देन इट स्टार्ट यूजिंग फ्रक्टोज, राइट। अब हम लोग 20 घंटे तक भूखे नहीं रहे, दिस इज एस्पेक्ट ऑफ फास्टिंग जो मैं डाइट में कवर करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फास्टिंग का ना, कि फ्रक्टोज को कैसे मेटाबोलाइज कराएं। अब होगा क्या कि सुबह तुमने ग्लूकोज ले जूस पी लिया, लेकिन 3 घंटे बाद तो लंच करोगे ना, 4 घंटे बाद, अब बॉडी क्या करेगी, यू नो इट विल कीप फ्रक्टोज, कि उसको ग्लूकोज मिल गया उसके ब्लड में भेज दिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज सो डेंजरस, कि उसको मेटाबोलाइज ही नहीं करेगी। यार इट मींस 20 आवर्स एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज फॉर 20 आवर्स उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, घी सैचुरेटेड फैट और नॉट, नो घी इज नॉट अ सैचुरेटेड फैट, घी इज अनसैचुरेटेड फैट, देयर इज अ, और घी अगर आप हाउ टू कंज्यूम घी, अगर उसको गर्म नहीं करते हो, जो छौंक लगाते हैं दैट इज डेंजरस, तो छौंक लगाने के बाद वो जब उसको छोड़ोगे तो आप देखोगे वो हार्ड हो जाता है ना, तो इट बिकम सैचुरेटेड छौंक लगाने के बाद या बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद। तो घी में पूरी नहीं तलनी चाहिए, पराठा घी में मत बनाइए, अगर आपको पराठा बनाना है तो सरसों का तेल है विच इज़ गुड ना, ऑलिव ऑयल है वो अच्छा है ना, क्योंकि आपको घी कंज्यूम करना है, कैसे बेस्ट तरीका क्या है घी कंज्यूम करने का, आप डायरेक्टली दाल पे डाल लो, रोटी पे लगा लो, उस तरह खा लो। वर्स्ट तरीका क्या है घी कंज्यूम करने का, उसको चीनी मिक्स कर लो ना, इट इज एज गुड एज पॉइजन ना? तो कभी भी घी के साथ अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ शुगर, वो नहीं मिक्स होना चाहिए शुगर एंड घी ना, एंड कोशिश करो गर्म ना करना पड़े एक्सट्रीम टेम्परेचर। यस घी सर, कैन वी गेट सम मटेरियल और रेफरेंस बुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग? देखो अश्विन क्या है ना, यू नो अगर मुझे भी बुक मिल जाती अगर, तो सबसे आसान तरीका था मैं आप लोग को बुक सजेस्ट कर देता और ट्रेनिंग नहीं देता। You know, it took me a lot of research to figure out these things. So the bits and pieces mein information hai. Ab maine kyu training kari? Why I did not waited ki aap log jaake khud hi research kar lo? Kyunki dekho yaar, there are too much of information on internet. Aur usko authenticate karna ki kya sahi hai kya galat hai bahut difficult hai. Na? 4-5-6 saal nutrition padhne ke baad ab main differentiate kar pata. Ye information genuine nahi hai. Kyunki something about it I have read before. Now, मेरे पास reference points हैं, right? You should keep reading health book, health articles from reliable sources. ऐसा मत करो कि आप पढ़ना बंद कर दो. Read it from reliable sources. कुछ एक website है जैसे examin.com है, healthline.com है, WebMD है. I have found them good. यानी जो उसमें information होती है, वो peer reviewed होती है, और उनका references होते हैं काफी. तो ओवर अ पीरियड टाइम ट्राई टू फाइंड फ्यू वेबसाइट जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन देती है. डोंट गो बाय एनी न्यूज आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, अभी तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी हेल्थ के आर्टिकल्स आते हैं. नॉनसेंस यार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस किस लिए बना था? व्हाई दे आर टाइपिंग अ हेल्थ आर्टिकल, आई डोंट नो हु इज राइटिंग इट, राइट? बट देर आर जेन्युइन सोर्सेस ना, वो मैं आपको वेबसाइट रिफर कर सकता हूँ ना, मे बी इन द ग्रुप समवेयर आई विल कम. व्हाट अबाउट द शेक्स मेड ऑफ फ्रूट, अगर फाइबर है तो ना, जैसे मैं बैंगलोर में था और मेरा जूस पीने का मन करता था, तो मैं उनको सजेस्ट करता था कि मिक्सी में जूस बनाएं और निकाल के दे दें ना, अगर मुझे संतरे का जूस पीना है तो मिक्सी में बनाइए उसको, तो क्या होगा फाइबर कंटेंट अलग नहीं होगा उसका ना. शेक इज गुड, शेक में द ओनली प्रॉब्लम इज शुगर डालनी पड़ती है ना. ओके हनी क्या है, अच्छा है कि खराब है? देखो यार हनी भी बहुत खराब है. ह्यूमन बींग्स हनी बहुत पहले से खाते आए हैं, यू नो एंशिएंट टाइम से. लेकिन पहले जब वो हनी खाते थे ना, जब तुमने सुना होगा यार एंशिएंट टेक्स्ट में भी लिखा है हनी में, तो उस समय ना दे डोंट हैव अ प्रोसेस कि बी हाइव से हनी निकालने का, तो एक्चुअली दे वर ईटिंग बी हाइव, उसको मुंह में रख के च्यू करते थे और उससे हनी निकालते थे, एंड बी हाइव कंटेन लॉट ऑफ फाइबर ना, और हम वी गॉट कंफ्यूज कि हनी अच्छा है ना, सुबह शहद खाना चाहिए, डेंजरस थी अनफॉर्चुनेटली. टेस्ट के लिए वंडरफुल ना, आप खाओ ना. व्हाट अबाउट शेक्स मेड ऑफ फ्रूट, आई गेव माय आंसर, अच्छा है, फाइबर नहीं है, अगर फाइबर है अगर तो शुगर अवॉइड कर सकते हो. एक्सेस ड्रिंक, एक्सेस ड्रिंक में फ्रूट ड्रिंक है यार, ऑब्वियसली पैकेज्ड है ना, तो दैट इज अ प्रॉब्लम कि हम कैसे अवॉइड करें
That's why I'm telling you, if we can, the only thing we can do is quantity कितनी. Why? There is a problem. तो हम लोग कोशिश करते हैं limit में ले. Right? तो सच बताऊँ तो I don't know if I have told you any of you, most of the time excess drink को मैं उसको I make a smoothie and drink it. यानी स्ट्रॉबेरी बाहर से खरीद के लेके आता हूँ, स्ट्रॉबेरी मिक्स कर देता हूँ, या मैं ऑरेंज जूस लेके ऑरेंज लेके आता हूँ और उसमें ऑरेंज वाला मिला के आई क्रिएट इट. ना उससे फ्लेवर भी एनहेंस हो जाता है. और यार क्या करूँ, यू नो आई एट होम, व्हाट टू डू, तो कुछ ना कुछ करते रहते हो. तुम लोग का प्रॉब्लम है, ऑफिस जाते हो राइट. एनी अदर थिंग? ओके, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे जो हमारे पास बहुत मेरे दिमाग में आते थे. व्हाट इज राइट, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट. अभी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. देखो यार, जब अच्छा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आई हैव अ वेरी सिंपल थ्री स्टेप गाइड. फर्स्ट थिंग इज, हम जब खाना खाते हैं तो फूड शुड गिव अस एनर्जी और इट शुड टेक अवे एनर्जी. फूड किस लिए खाते हैं? टू गेट द एनर्जी, नॉट टू टेक अवे एनर्जी. विल यू अग्री? फूड इज देयर टू गेट द एनर्जी. अगर फूड खाने के बाद नींद आ रही है, इसका क्या मतलब है? समथिंग इज रॉन्ग. अगर हमें कोई भी खाना खाने के बाद नींद आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ओवरवर्क करा रहा है. डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को. इसका मतलब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इट इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्रेन, लेग्स, हैंड्स, एवरीवेयर, एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट दैट फूड. दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग स्लीपी, राइट. मैं एक जर्नल रखता हूँ और आई हैव अ लिस्ट ऑफ फूड्स जिनको खाने के बाद मुझे नींद आती है. मैंने या तो उनकी क्वांटिटी कम कर दी है या उसको खाना बंद कर दिया है. जैसे राइस अच्छा है खाने के लिए कि नहीं? देखो यार, कुछ लोग ऐसे हैं हु थ्राइव्स ऑन राइस, दे फील एनर्जी. सम पीपल आर लिथार्जिक. मैंने देखा है कि अगर मैं इतने से ज्यादा राइस खाऊंगा तो आई फील लिथार्जिक. तो मैं राइस खाता हूँ इतना, बट आई नो पीपल की इतना राइस खा के दिन भर काम कर सकते हैं. मैं इतना राइस खाऊंगा तो दो दिन तक कुमकर की तसोऊंगा, राइट. सो आई नो माय क्वांटिटी. तो कीप अ जर्नल एंड राइट डाउन व्हाट ऑल थ्राइव्स. एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर ब्लैक एंड व्हाइट में बेकार है. एनीथिंग मेड ऑफ मैदा, पास्ता है, ब्रेड है, यूजलेस है. ट्राई एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि तुम उसको खाओगे तुम्हें नींद आएगी. यू ट्राई इट, ईट छोला भटूरा, यार चार ब्रेड खा लो, यू फील स्लीपी. कीप अ जर्नल, इज अ थंब रूल. राइट अ एंट्री, कौन कौन से फ्रूट है जिसको, फूड है जिसको खाने के बाद यू फील गुड एक्चुअली, ना, एंड देन लिव ऑन इट. होल व्हीट ब्रेड इज गुड. अनफॉर्चुनेटली लिविन क्या है ना कि यार व्हीट की ब्रेड बनी नहीं सकती. उसमें व्हीट की क्वांटिटी होती है बहुत थोड़ी सी होती है ना, और जो टेक्सचर और जो हम कलर देखते हैं ना, वो कलर से वो कलर आता है ना. अगर तुम कभी नेट पे सर्च करोगे कितना परसेंटेज व्हीट है, तो यू विल फील कितना बड़ा झूठ है यार व्हीट ब्रेड. ना, इट डज नॉट कंटेन मच ऑफ व्हीट, राइट. तो क्या मैंने ब्रेड खाना बंद कर दिया है? बिल्कुल नहीं है. मैं ब्रेड खाता हूँ. आई अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन. दो पीस से ज्यादा मैं नहीं खाता. वही मैं कह रहा हूँ ना, आई कैन नॉट अवॉइड इट. क्योंकि मैंने देखा है दो पीस में आई डोंट फील लेजी. चार पीस का मतलब अभी मैं सोऊंगा ना. अगर दो घंटे बाद भी सो के, दो घंटे पहले भी सो के उठाऊँ ना, तो मैं सो जाऊंगा. चार पांच पीस अगर मैंने खाया, राइट. तो हर वो चीज़ जो बुरी है मैं खाता हूँ. मैं बटर खाता हूँ, खाता हूँ लिमिट में. आई डोंट फील सिटी, मतलब मेरे स्टमक को मैं ओवर एक्सर्ट नहीं कर रहा हूँ. द ओनली थिंग आई एम कॉशियस अबाउट इज शुगर. आई सी कितनी क्वांटिटी में खाना, कितना ज़्यादा मैं अवॉइड कर सकता हूँ. ग्रेट. सेकेंड चीज क्या है? फर्स्ट थिंग इज नोटिस कौन कौन से फूड आपकी एनर्जी सप कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज ट्राई टू ईट 50% फूड रॉ, अगर हो सके तो. ना, इफ नॉट पॉसिबल, बहुत से लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत जगह रहते हैं, नॉट पॉसिबल, लिमिटेड टू 1/3 एटलीस्ट. कि वो फूड रॉ होना चाहिए ना, इट्स गुड एक्चुअली ना. तो माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज रॉ. सेकेंड आई चूज सेमी बॉयल्ड. थर्ड आई यूज बॉयल्ड, उसका कुक्ड फूड, एंड देन डीप फ्राइड फूड ना. सो अभी तो लॉकडाउन है, आई डोंट नो, अदरवाइज वी रेयरली गो आउट. और जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, हम और श्वेता, तो डू वी गो आउट फॉर डिनर एंड लंच आउटसाइड? खा जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बट यू नो हम लोग कुछ खा के फिर बाहर जाते हैं. इट हेल्प अस टेक अ बेटर डिसीजन ना. अभी हम खाली पेट जाएंगे ना, तो जो सबसे पहले दिखेगा उसमें घुस जाएंगे, इंक्लूडिंग मैकडी. आई नेवर लाइक मैकडोनल्ड बर्गर, लेकिन अभी भूख लगी है तो अभी बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज मजा आ गया.
लेकिन अगर थोड़ा सा मैं खाना खा के जाऊंगा बाहर तो अभी विल पावर थोड़ी स्ट्रांग है, आई कैन चूज राइट फूड ना, प्रोबेबली यू नो आई विल गो टू सबवे और मे बी यू नो आई विल टेक सिजलर, वेजिटेबल सिजलर ना, आई विल हैव अ बेटर चॉइस, नहीं तो मैं डोसा वोसा खा के चलाऊंगा बिंदास एकदम ना, अगर मैं खाना खा के गया हूँ तो आई प्रिफर इडली राइट, सो दैट वे यू कैन डू इट ओके. Not everyone who is fat dies from heart attack. Why should I care? A lot of people ask me. Yeah, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं यार, you know, हर कोई आदमी जो सिगरेट पीता है उसको कैंसर नहीं होता है. तो why should I care? See, most of the time we forget the difference between certainty and probability. ना? अगर कोई fat है, overweight है, उसकी probability बढ़ गई है heart disease की. Certainty नहीं आई है. Same thing. अगर कोई सिगरेट पीता उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है लंग्स कैंसर होने की, इन डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर, सर्टेनिटी नहीं है ना, क्योंकि वी फॉरगेट समथिंग कॉल्ड जेनेटिक फैक्टर, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. यू नो लॉट ऑफ पीपल हु स्मोक 20 सिगरेट्स लेकिन जेनेटिकली दे आर सो स्ट्रॉन्ग, डज नॉट इम्पैक्ट. एक फनी चीज आपको बताऊं, जनरली सिगरेट वो लोग पीते हैं जिनके लंग्स जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. इट्स अ रिसर्च बेस्ड थिंग आई एम टॉकिंग. Let's say मेरे lungs बहुत weak हैं, जैसे कि जो कि हैं, I have a bronchitis problem, right? Thank God अब नहीं है, पिछले 5 सालों से ना जब से inflate use कर रहा हूँ. See, the moment I'll take first puff, मैं इतना खासूंगा कि मैं सिगरेट दोबारा उठाऊंगा ही. But let's say I have a strong lungs, अभी puff लूँगा, थोड़ा सा खासूंगा, and then I take third, fourth, and then I'm addicted. ना? तो ज़्यादातर लोग जो smoke करते हैं, उनके lungs genetically they are very strong, and it confuses a lot of people. राइट right? ये तो मरा नहीं है 30 साल से पी रहा है बट प्रोबेबिलिटी तो बढ़ ही गई है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई डोंट नो व्हेन इट विल, 5 टाइम्स बढ़ जाती है. व्हाट अबाउट मल्टी, ओके, बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन पाउडर बिफोर एक्सरसाइज एज इवनिंग स्नैक विद फूड, डज नॉट मैटर यार. अगर जिम करते हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि कब पीना है. अगर जिम नहीं कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड किस रीजन से. अगर जनरल यू नो जैसे मैं क्यों पीता हूँ, जनरल हेल्थ की है, सो आई कैन ड्रिंक एनी टाइम. बट इफ आई एम डूइंग जिम, तो प्रोबेबली जिम से आने के बाद दिन से जिम एक्सरसाइज के अराउंड पीऊँगा. इफ यू आर डूइंग फॉर अ वेट लॉस, तुम प्रोटीन ले रहे हो, तो मील के समय लूंगा स्किप करने के लिए ना. मैं अपना फेवरेट तरीका बताऊँ प्रोटीन लेने का, क्या है, मैं लंच के साथ प्रोटीन लेता हूँ. सो मैं लंच में क्या करता हूँ, एक रोटी लेता हूँ, थोड़ा चावल लेता हूँ, ढेर सारी दाल, ढेर सारी सब्जी, ढेर सारा सलाद, और क्योंकि उसमें से पेट नहीं भरने वाला मेरा, तो आई टेक अ ग्लास ऑफ प्रोटीन. उससे क्या होता है, आई कैन कंट्रोल माई डाइट ऑल्सो, इट्स ईजी टू कंट्रोल द फूड ना. तो जब जनरली मैं फूड के साथ या डिनर के साथ या लंच के साथ प्रोटीन लेता हूँ, दैट वे आई कैन रिड्यूस द क्वान्टिटी ऑफ फूड राइट. ओके, वाई लाइक शुगर, मैं इसका आंसर कर चुका हूँ राइट. वाई लाइक जंक फूड सो मच, यू नो फैट जो होता है ना जंक फूड में, दे यूज हाइड्रोजन फैट, मैंने बताया था ना, टेक्सचर इंप्रूव करता है, पैल्पेबिलिटी इंप्रूव करता है ना, ज़्यादा यू नो टेस्ट लाता है फैट फूड में राइट. दैट्स व्हाई वी लाइक हाइड्रोजनेटेड फैट स्पेशली, दैट्स व्हाई वी लाइक इट राइट. शुगर एंड डेली बैड आई हैव आंसर्ड. व्हाई डू वी बिंज ईटिंग, ओह दिस इज समथिंग फनी, कि हमें क्रेविंग क्यों होती है, बिंज ईटिंग क्यों होती है. अगर मैं डाइट पे हूँ बार बार मुझे भूख क्यों लगती है, तो इसके फ्यू रीजंस है इफ यू अंडरस्टैंड. जब हमको बार बार भूख लग रही है, समटाइम्स वी कन्फ्यूज थर्स्ट विद हंगर. अगर आपको भूख लग रही है खासतौर से रात को कभी ऑकवर्ड टाइम में, सबसे पहले आप जाके एक गिलास पानी पियो. अगर 15-20 मिनट बाद भी आपको भूख लग रही है, देन एक्चुअली वाकई आपको भूख लग रही है, अदरवाइज वो चली जाएगी, बिकॉज यू हैव कन्फ्यूज थर्स्ट विद हंगर ना. सेकेंड रीजन क्या है, क्रेविंग हो रही है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, स्पेशली कैल्शियम ना. अगर लीवर प्रॉब्लम है तो भी यू नो फूड को प्रोसेस नहीं कर पा रही है बॉडी. स्ट्रेस्ड हो, इफ यू आर स्ट्रेस्ड तो होता क्या है, आप कुछ भी खाओगे इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस ना. हम लोग ऐसे ही बने, फूड करो खाओ तो मूड अपलिफ्ट हो जाता है ना. सो इफ यू आर स्ट्रेस्ड, जो हैप्पीनेस की फीलिंग है उसे फूड से ही आती है ना. तो यू ऑटोमेटिकली ईट टू मच ऑफ, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मैं बता चुका हूँ राइट. और प्रॉब्ली ओके दैट्स इट, मुझे लग रहा है बाकी स्किप कर देना चाहिए, इट्स ऑलरेडी 11 ना. सो आई विल स्टॉप इट, स्टॉप रिकॉर्डिंग.
ओके।